हेलो गाइस, शोना स्वीट हार्ट पे आप सभी का वेलकम है। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस एक तरह इंसेक्टिसाइड के बारे में। इस वीडियो में इसके बारे में सब कुछ है, इसका कॉम्पोजिशन, इसका डोजेज, कौन कौन से पौधे में हम इसको यूज़ करेंगे, कौन कौन से पौधे में नहीं यूज़ करेंगे, सब कुछ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से शायद थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको लॉस्ट हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं। तो चलिए और देरी ना करके शुरू करते हैं। तो छत पे जब हम बागवानी करते हैं या फिर खेतों में फसल उगाते हैं, हमें सबसे बड़ा डर रहता है कीड़े मकोड़ों की। तो इंसेक्टिसाइड हमें बहुत ज़रूरत है अपनी फसल को बचाने के लिए या फिर हमारे जो छत पे पौधे लगे हुए हैं उन सबको बचाने के लिए। मार्केट में भी बहुत से हाई प्राइस वाले इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो इंसेक्टिसाइड है एक तरह, ये बहुत ही रिजनेबल है और जो प्राइस है इसका ये करीबन 20-25 रुपए के आसपास होंगे। यहाँ पर प्राइस है 29 रुपीस, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये 20-25 के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। ये छोटा पैकेट में मिलता है और बड़ा पैकेट में भी मिलता है, जिन लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट होता है। तो इस प्राइस में ये जो काम करता है वो बेस्ट है। तो ये सिंजेंटा कंपनी का है और इस पे जो कंपोजिशन है वो है 25%। ये बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन का एक इंसेक्टिसाइड है। जिन लोगों ने यूज़ किया है वो तो जानते ही है, लेकिन जिन लोगों ने यूज़ नहीं किया है वो एक बार मेरी बात मान के यूज़ करके देखिए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। चलिए बात करते हैं अब हम इसके डोजेज के बारे में। तो इसे किस मात्रा में यूज़ करने से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये जो पैकेट है ये 5 ग्राम का एक पैकेट है, लेकिन हम इसे यूज़ करेंगे 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। तो इसमें 5 ग्राम है, हम इसे 5 लीटर पानी तक यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को जितना पानी का रिक्वायरमेंट होता है, 1 लीटर 2 लीटर या फिर 3 लीटर, वो उसी हिसाब से लगाएंगे। तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में हम लोग यूज़ करेंगे और इन्फेक्टेड पौधों में स्प्रे कर देंगे। तो विंटर के टाइम पे इसे हम सुबह के टाइम पे स्प्रे करेंगे, करीबन 7 से 8 बजे के अंदर, और गर्मियों के टाइम पे हम इसे यूज़ करेंगे सूरज डूब जाने के बाद, जब वेदर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। इन्फेक्टेड पौधा पर अगर 1 अप्लाई में काम नहीं होता है तो हमें ये प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन 15 दिन के बाद, क्योंकि इसका असर 14 से 15 दिन तक रहता है। अगर 15 दिन के पहले हम इसे यूज़ करेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा और पौधा मर भी सकता है। तो इसलिए 15 दिन के बाद ही हम इसका और एक एप्लीकेशन देंगे, अगर आपके पौधा एक डोज में काम नहीं होता है तो। तो चलिए बात करते हैं अब हम किस किस पौधों में इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेस्ट काम करता है हिबिस्कस के पौधों में, क्योंकि हिबिस्कस के पौधों में जिस तरीके का इंसेक्ट्स हमें देखने को मिलता है, जो इंसेक्ट्स मिलते हैं वो सभी पे ये बेस्ट काम करता है। और फूलों के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इसे, एलाबांजा में भी, और नींबू के पौधों में हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि नींबू के जो पत्तों के जो निचला हिस्सा होता है उनमें जो एक इंसेक्ट्स मिलता है वो जो डिज़ाइन करते हैं या फिर पत्ते खा लेते हैं, उस पर भी ये एक तरह बहुत अच्छा काम करता है। मिलीबग, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, एफिड्स, इन सभी तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें एक तरह बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे कि मैंने बोला, हिबिस्कस के पौधे में ये तीन जो प्रॉब्लम्स हैं, मिलीबग, एफिड्स एंड वाइट फ्लाई, ये तीनों में सबसे अच्छा काम करता है एक तरह। और एक प्रॉब्लम है ये जो पत्ते सिकुड़ जाते हैं, ये प्रॉब्लम भी एक तरह बहुत अच्छे से काम करता है। तो जिस के पौधों में ये पत्ते सिकुड़ गए हैं या फिर आपका मिलीबग या वाइट फ्लाई या फिर एफिड्स का प्रॉब्लम है, उन सब में आप एक तरह का यूज़ कर सकते हैं। एक तरह एक टाइप के इंसेक्ट्स पे काम नहीं करता, वो है माइट्स, रेड माइट्स या फिर वाइट माइट्स जो है, वो नेचुरली मेरीगोल्ड के पत्तों में मुझे ज़्यादा दिखता है।
विंटर आ रहा है, तो विंटर के जो फ्लावर्स है, सब्जियां है, उनमें माइट्स बहुत दिखते हैं, तो उनमें एक दूसरा इंसेक्टिसाइड काम करता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ये एक तरह का जो पैकेट है ये ग्रैनुल्स फॉर्म में आता है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो ये मैंने निकाल लिया है 1 ग्राम के करीब। तो अभी हम इसे एक लीटर के बॉटल में मिलाएंगे। मैं दिखा दूँ तो इसे मिलाने के बाद हम 10 से 15 मिनट इसे छोड़ देंगे, मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद इसके ऊपर स्प्रेयर लगा के हम स्प्रे करेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं और ये पूरी तरीके से घुल गया है वाटर में, आप देख सकते हैं इसमें और कोई ग्रैनुल्स नहीं है। तो अभी ये स्प्रे करने के लिए अभी रेडी है। तो क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है तो अभी हम इसे सुबह के टाइम पे ही यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पौधों में कितने एफिड्स हुए हैं और यहाँ पर पत्ते भी सिकुड़ गए हैं, तो इसमें मैं ये स्प्रे करूँगी। अच्छी तरीके से पूरे पौधे में मैं स्प्रे कर दूँगी और इस तरह से ही आप इसे यूज़ करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप सब लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा।